टॉप 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन अंडर 20,000। सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी जो है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फोन कंपनी है दुनिया की। और सैमसंग अपने डिस्प्ले की क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। तो अगर आप भी अपने लिए कोई न्यू सा स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो और आपका बजट 10 से 20 हजार के आसपास है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए 5 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, जहाँ पर आपको अच्छा खासा पावरफुल टेक्नोलॉजी वाला 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, टॉप नॉची कैमरे क्वालिटी और तगड़ी इंटीग्रेशन और तगड़ा यूजर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। सो गाइस, अगर आपका बजट 15 से 16 हजार के आसपास है और इस बजट रेंज में आपको कोई बेस्ट सैमसंग का 5G स्मार्टफोन चाहिए जो कि आपको ऑफलाइन मार्केट में भी देखने को मिल जाए, तो गैलेक्सी A14 5G को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली PLS पैनल मिलेगी। ये ड्रॉप नॉच वाली पैनल है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। साइड माउंट फिंगर स्कैनर है। 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। यहाँ पे आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 का प्रोसेसर जो है देखने को मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है और UI 5.0 पर आपको वर्क करते देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का, दूसरा कैमरा 2 MP का माइक्रो और तीसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ शूटर है। फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है। उसके साथ साथ 10x तक के डिजिटल जूम कर पाएंगे। बहुत सारे फोटोग्राफी मोड मिलेंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर की, तो यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं, एक्सटर्नल रैम का सपोर्ट है। और फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट 15,999 में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जो हमारी लिस्ट नंबर सेकंड पर आता है, वो आता है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। तो दोस्तों, अगर आपको अंडर 50,000 की बजट रेंज में कोई बेस्ट सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको अच्छा खासा कैमरे के साथ साथ अच्छा खासा यूजर एक्सपीरियंस और बड़ी बैटरी लाइफ मिल जाए, तो गैलेक्सी M14 को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल मिलती है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर है। 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है। यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से एक्सिनोस 1330 प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर आता है और UI 5.1 पर रन करता है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का है, दूसरा कैमरा 2 MP का माइक्रो और तीसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ शूटर है। फ्रंट में आपको 13 MP का सेल्फी शूटर मिलेगा। और फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 11,990 में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारी लिस्ट नंबर 3 पर आता है, वो आता है सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। ये स्मार्टफोन इजीली ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। बात करें इस विजन की, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली PLS LCD पैनल मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। साइड माउंट और फिंगरप्रिंट स्कैनर है और 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 का जो है चिपसेट देखने को मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 और UI 5 का सपोर्ट जो है देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का, दूसरा कैमरा 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा कैमरा 2 MP का माइक्रो और चौथा कैमरा आपको 2 MP का डेप्थ शूटर जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाता है। वहीं फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग की, तो दोस्तों जो इसका 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज वेरिएंट है, वो आपको 20,999 जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमें लिस्ट नंबर 4 पर आता है, वो आता है सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। ये स्मार्टफोन थोड़ा सा पुराना जरूर है, पर स्टिल 15 से 16 हजार के बजट रेंज में एक
बहुत ही रिकमेंडेड स्मार्टफोन है। अगर आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आने वाला सैमसंग का कोई स्मार्टफोन चाहिए तो ये स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को जो है सपोर्ट करती है। साथ ही में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 3.5 mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर मिलने वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 मिलेगा जो कि WiFi 5.1 पर रन करेगा। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट मिलेगा जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का माइक्रो सेंसर जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 8 MP का सेल्फी शूटर जो है देखने को मिल जाता है। और फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो दोस्तों जो इसका 4GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है वो आपको 14,999 में देखने को मिल जाता है। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट नंबर 1 पर जो स्मार्टफोन आता है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F34 5G और सैमसंग की ही तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बिल्कुल सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। बाकी अगर आपको अभी के टाइम में 20,000 के बजट रेंज में कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी कैमरे की क्वालिटी के साथ साथ सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिल जाए तो रिसेंटली लॉन्च किया गया गैलेक्सी F34 को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। उसके साथ ही यहाँ पर आपको गोरिल्ला 5 का सपोर्ट और 3.5 ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में यानी कि इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो ये दोस्तों इस फोन में आपको सैमसंग की तरफ से एक्सीनोस 1280 का जो है प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये फोन आपको एंड्रॉइड 13 और WiFi 5.1 पर जो है देखने को मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी इस फोन में दी गई है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइमरी कैमरा 50 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 MP का तीसरा सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। वहीं फ्रंट में यानी कि सेल्फी में आपको 13 MP का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाता है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों जो इस फोन का 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको 16,499 में जो है देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों यही थे टॉप 5 स्मार्टफोन जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो है डिस्कस करा है। आप अपने हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन जो है ले सकते हैं, जो भी आपका बजट है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।